नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम संजय श्रीवास्तव आज वापस से आपको अपनी चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है जूनियर भाई। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं हर नया वीडियो आपको पहले पहुंचे। दोस्तों, अभी बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला, सॉरी। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको चीज बाइट्स बनाना सिखाऊंगा। एकदम इजी है और आप इसे अपने फैमिली को कभी भी चाय नाश्ते के टाइम पे सर्व कर सकते हो, सुबह सर्व कर सकते हो या फिर शाम को। एकदम छोटा सा ब्रेड और चीज का बाइट्स है लेकिन एकदम टेस्टी है, आपको पिज्जा का याद आ जाएगा इसे खा के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और हमारे किचन में चलते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, अभी इसके साइड कट करके निकाल देता हूँ मैं। चलिए, अभी हम लोगों ने अच्छे से काट दिए इसके एजेस, इसके साइड्स के रहेंगे उसका हम लोग को इसका क्रम बना लेना है, उसे अच्छे से मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेना है। तो अभी बाकी सारे स्लाइसेस हटाता हूँ, एक स्लाइस रखता हूँ मैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं ये सेजवान चटनी लगाऊंगा, अगर आपके पास पिज्जा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी टेस्टी लगता है और सेजवान चटनी से तो और भी ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा सेजवान चटनी हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। सेजवान हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया। अभी इसके ऊपर हम लोग ढेर सारा चीज लगाएंगे, ज्यादा हम लोग को नहीं रखना है एक जगह पे, चार जगह पे अलग अलग हम लोग इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि हम लोग को छोटे छोटे इसके पीसेस करने हैं। ये रख दिया हम लोगों ने अच्छे से। ज्यादा अगर हम लोग चीज डालेंगे तो जब हम लोग इसे फ्राई करेंगे तो ये चीज बह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा चीज। अभी जो दूसरा स्लाइस है हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऐसे और ऐसे करके चार हम लोग पीसेस कट कर देंगे। तो हम लोगों ने ये चार पीसेस कट कर दिए, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना छोटा है। अभी इसे हम लोग साइड में रख देंगे चारों को। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक घोल बनाने के लिए ये मैदा ले लिया है। मैदा मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच ये पानी डाल दूंगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगा मैं। ये मैंने मिक्स कर दिया है। अभी इसके अंदर मैं 1 चुटकी भर ये हल्दी डाल दूंगा, इससे थोड़ा अच्छा सा कलर आएगा। उसके बाद 1 चुटकी भर मैं इसके अंदर नमक डालूंगा, इससे थोड़ा टेस्ट आएगा हमारे घोल में। और ढेर सारा मैं ये क्रश किया हुआ अपनी काली मिर्च डाल दूंगा। ये काली मिर्च मैंने तकरीबन 12 से 13 ले ली है। अभी इन सबको मैं इसके घोल के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगा और ये हमारा घोल तैयार है। ये घोल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो हमारा ब्रेड है जब हम लोग उसे तलने जाएं तो फिर वो जो ब्रेड है वो तेल ना सोख ले, तो तेल सोख लेगा तो थोड़ा टेस्ट ख़राब लगेगा, उसके लिए घोल बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ये घोल बना लीजिए फटाफट से। तो चलिए, हमारा लास्ट प्रोसेस हम लोग चालू करते हैं। तो पहले हम लोग एक ये बाइट्स ले लें, हमारा जो ये बनाया है वो बाइट ले लेंगे छोटा वाला। उसके बाद इसे डुबाएंगे अंदर। उसके बाद हम लोगों ने वो जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे बचे हुए ब्रेड का, उसके अंदर इसे अच्छे से पूरा पूरा कवर करेंगे हर साइड से ताकि थोड़ा चिपचिपा ना हो, नरम हो हल्का सा। और इसको हम लोग साइड में भी रख देंगे और ऐसे करके हम लोग सारे हमारे जो ये हैं छोटे छोटे ब्रेड्स उसको भी अच्छे से कवर कर दें। चलिए, वो काम तो हमारा हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो पैन है उसमें मैंने तेल रख दिया है, अभी इसे गर्म करने देता हूँ मैं। ये तेल गर्म होने लगा। अभी एक एक करके मैं अपने जो छोटे छोटे मैं चीज बाइट्स बनाए हैं वो डाल देता हूँ इसके अंदर, एक एक करके सारे डाल देता हूँ। और एक के बाद एक हम लोग जैसे ही तलेगा वैसे पलट देंगे इसे। तो हमारे ये सारे जो छोटे छोटे हमारे चीज बाइट्स हैं एकदम रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल देता हूँ। आप देख सकते हैं किसी किसी में ऐसे चीज थोड़ा बाहर आ रहा है, ये इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डाल दिया। उसके लिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ज्यादा चीज इसके अंदर ना डालिए, थोड़ा थोड़ा ही चीज डालिए इसके अंदर। तो अभी हम लोग इसे प्लेट में निकाल लेते हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं इसके अंदर से ज्यादा तेल नहीं निकल रहा है। अगर हम लोग ऐसे ही डालते बिना उसके कवर के, मतलब जो हम लोगों ने घोल बनाया उसके, तो फिर ये चीज इसके अंदर से तेल ऐसे बहता, लेकिन हम लोगों ने वैसे नहीं डाला था तो बिल्कुल तेल नहीं निकल रहा है।
तो ये हमारे सारे छोटे छोटे ब्रेड चीज बाइट्स एकदम रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, और इसके अंदर से चीज तो एकदम क्या कहना, एकदम बह रहा है। तो आप भी इसे अपने घर पे बनाइए और अपने व्यूज और कमेंट्स में शेयर कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जितने भी है आपको अच्छा लगता है ये खाना बनाना, उन सबको मेरा वीडियो प्लीज बताइए।